बोली विश्व वंदनीय देवादिदेव मूल नायक एक हजार श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य शंका समाधान प्रणेता भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजाय भव्य वितान कदम बढ़ा कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी का हृदय से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। विश्व का लोकप्रिय पारस चैनल का लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान का ये समय है। बंधुओं जैसा कि आपको विदित है पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो गुणायतन के रूप में सफलीभूत हो रही है, निश्चित ही आने वाले समय में गुणायतन के माध्यम से लोगों के अंतरंग में गुणात्मक परिवर्तन होगा और जिन शासन की युगांतकारी प्रभावना होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो लोग पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही अपना मानस बनाइएगा और गुणायतन से जुड़ी ही निर्माणकारी योजनाओं से अवगत होते हुए जो नंबर चल रहे हैं नंबरों में संपर्क कीजिए और आज ही अपना भाव जागृत कीजिएगा और गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को गुणायतन के गौरवशाली इतिहास में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही बंधु जैसा कि आपको विदित है प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से इसी गुणायतन परिसर में बीजाक्षर युक्त विशेष संधारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी वैवाहिक वर्षगांठ जन्मदिवस या किसी विशेष अवसर पर यहां पर पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से संधारा संपन्न हो तो आप निम्न नंबरों पर संपर्क करके अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं और एक दिन की एक माह की और एक साल तक की अनवरत रूप से संधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जैसा कि आपको विदित है आगामी नवंबर माह में अष्टानिका महापर्व के अवसर पर पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से होने वाला सिद्ध चक्र महामंडल विधान जिसकी विशेष आराधना यहां पर होगी। मंडल लगभग सारे बुक हो चुके हैं, बस कुछ ऐसे भी सौभाग्यशाली पात्र होंगे जो इस विधान में बैठेंगे जोड़ों के साथ। तो यदि किसी का भाव बनता है कि हम जोड़े के साथ बैठें तो मात्र 51,000 रुपये की राशि में आप नीचे चल रहे नंबरों पर अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं, आपको सर्व सुविधाओं के साथ यहां पर विधान में बैठने का सौभाग्य अर्जित होगा। बंधुओं जैसा कि आपको विदित है प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं और अपने आप को धन्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिन लोगों ने आज गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को धन्य किया है उन श्रावक शिष्यों के नामों की मैं उद्घोषणा कर रहा हूं। आपकी करतल ध्वनि उनके स्वागत में बजनी चाहिए। सर्वप्रथम जिन्होंने आज निर्माण निधि की सदस्यता प्राप्त की है ऐसे श्रावक शिष्य ललितपुर से श्री अनिल कुमार अंजना जैन यदि यहां पर उपस्थित हैं अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएं और कैमरा उनकी ओर होगा, आप अपने स्थान पर खड़े होकर के नमोस्तु निवेदित करिए गुरुदेव को। बेंगलोर से श्री अमित परिधि अजमेरा सपरिवार, इंदौर से श्री दीपक निधि जैन सपरिवार, अशोकनगर से श्री मनीष जैन श्रीमती रीनू जैन सपरिवार, भोपाल मध्य प्रदेश से श्री उमंग जैन प्रखर अभियान जैन सपरिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से निर्माण निधि सदस्यों का स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में जिन्होंने निर्माण सारथी के रूप में अपने आप को गुणायतन से जोड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है पुणे से गर्व जैन सुपुत्र रविकांत जैन यदि यहां पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर के आगे आएंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। आइए इसी कड़ी में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है अपने आप को गौरवान्वित किया है ऐसे श्रावक सृष्टि गुवाहाटी से श्री ज्ञानचंद्र धर्मचंद काला सुचिता विवेक संयम जैन सपरिवार गुवाहाटी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। ये परिवार हमारे बीच उपस्थित है, मैं निवेदन करूंगा श्री ज्ञानचंद जी धर्मचंद काला सुचिता विवेक संयम जैन गुवाहाटी से कहां पर हैं यदि यहां पर उपस्थित हैं आ जाइए। चलिए नहीं है करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। सूत्रधार के रूप में ही जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया गुना मध्य प्रदेश से कुमारी सोनम जैन सुपुत्री श्री यदु कुमार जैन जितेंद्र कुमार जैन जैनम मेडिकल जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। बंधु इनकी सुपुत्री जिनकी इन्होंने भावना भाई थी कि यदि मेरी जॉब लगती है तो पहली जो सैलरी होगी वो गुणायतन में समर्पित करेंगे और ऐसा भाव संजो करके आज पहली सैलरी गुणायतन को समर्पित कर रहे हैं। सब परिवार हमारे बीच में आए पूज्य गुरुदेव के चरणों में आशीष प्राप्त करें।
चलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, रमेश जैन जी गुना से गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच में वो आए, और रविंद्र जी अलिया वो ललितपुर से गुणायतन ट्रस्टी आएंगे और ऐसे श्रावक ट्रस्टी का सम्मान करेंगे। हाँ, यहीं से नमोस्तु निवेद करें, और सम्मान के लिए रविंद्र अलिया जी ललितपुर से और रमेश जैन जी गुना से ट्रस्टी गुणायतन, आइए सामने से। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि आपकी बस्ती रहे बंधुओं, ऐसे श्रावक सृष्टि हैं, ये एक उदाहरण है आपके लिए कि दान की जो भावना होती है बहुत प्रबल होती है, और इन्होंने पहली सैलरी गुणायतन के इस जिनालय में लगाई है। बहुत बहुत साधुवाद, हम देते हैं बहुत बहुत आभार। आइए इसी कड़ी में अब मैं उन श्रावक सृष्टियों के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है। अशोकनगर से स्वर्गीय संतोष कुमार जी कांसल की स्मृति में शशि देवी सुचित सचिन रविंद्र कांसल परिवार अशोकनगर, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। लगभग 5 ग्राम इन्होंने स्वर्ण दान दिया है यदि यहां पर उपस्थित हैं। चलिए गुना से ही श्रीमती शोभा जैन सुशील कुमार जैन, इन्होंने भी एक स्वर्ण की अंगूठी समर्पित की है, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। अपने स्थान पर हैं तो खड़े होकर के आशीष प्राप्त करें। अशोकनगर से ही स्वर्ण की अंगूठी श्रीमती संगीता जैन सुमत जैन अशोकनगर समस्त परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और आज हमारे बीच में इम्फाल गुवाहाटी से श्री अजित कुमार जैन मीरा देवी सुमित अविनी जिनीशा जैन, जिन्होंने स्वर्ण की अंगूठी समर्पित की है, लगभग 12.42 ग्राम की ये चूड़ियां हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। ये हमारे बीच में परिवार उपस्थित है, मैं निवेदन करूंगा आ जाए संपूर्ण परिवार। चलिए इसी कड़ी में आरोन गुना से स्वर्ण की अंगूठी समर्पित की है जूली जैन संजीव जैन आरोन गुना मध्य प्रदेश, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और बुरहानपुर से शकुंतला जी शंभू दयाल जी गंगवाल, इन्होंने भी स्वर्ण की अंगूठी गुणायतन के लिए समर्पित की है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। अब आइए चलते हैं शंका समाधान के विशेष सत्र को आगे के संचालन के लिए। बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूँ आदरणीय पंडित सुदर्शन जी। आइए मैं आपको ले चलूं गुरुदेव के श्री चरणों में। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरदहस्त हमें आशीष के रूप में प्राप्त हो, अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महाश्री नमोस्तु महाश्री नमोस्तु महाश्री। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूं उसके पूर्व गुरुदेव के श्री चरणों में गुणायतन के निर्माणार्थ एक छोटी सी बेटी ने मात्र 2.5 वर्ष की स्वर्णवय इन्होंने अपनी गुल्लक प्रदान की है गुणायतन के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, ये गुल्लक रखी है उस बच्ची को, बहुत बहुत साधुवाद। मैं विलम्ब न करता हुआ आमंत्रित कर रहा हूँ आपसे, आप में श्रीमान अनूप जी गांधी पुणे ट्रस्टी गुणायतन सीखता से आ जाएं। यहाँ लगाओ चटाई, चटाई लगाओ। अनूप जी गांधी पुणे से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहेंगे श्रीमान श्रीवंश रक्षक गुणायतन सुरेंद्र जी श्रीमती सपना जी पुत्री सुरभि के साथ सागर से। गुरुवर आपने एक आपके प्रवचन में एक श्रृंखला चलाई थी ABCD के ऊपर में। थोड़ा सा शांति रखिए, एकदम शांत हो जाए, है ना। चलिए बोलिए। एक श्रृंखला थी ABCD के ऊपर में, काफ़ी उससे मैं प्रभावित हो गया। मैंने उसके नोट्स निकाले थे, उसके मैं बार बार पढ़ते रहता हूँ, और याद आ जाती है कि हमने और क्या सुधार करना है। हमारी आज की शंका ऐसी है कि हम बोलते हैं कि कर्म से हमारे बंध बनते हैं और उससे हमें अलग अलग गतियों में जन्म मृत्यु की श्रृंखला चलती रहती है। उस संबंध में जब जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या मनुष्य गति मिलना बढ़ रहा है, ऐसे समझना चाहिए, उसका क्या अर्थ होता है, और हमने उसे अच्छा बुरा व्यवहारिक दृष्टि कैसे समझना है, और उसमें भी जैन धर्म की लोकसंख्या कम होना उसे कैसे समझे। बहुत अच्छा सवाल है। ओम ओम ओम। देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जनसंख्या का जो बढ़ना है, प्रथमतया लोग ऐसा कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत भाग्य से मिलता है,
तो भाग्य से मिलने वाले मनुष्य जीवन को जब सामने रख करके चलते हैं तो लगता है फिर आज जनसंख्या का बढ़ना कहीं पुण्य की वृद्धि है। लेकिन मेरा मानना है मनुष्य जीवन नहीं, मनुष्यता पुण्य से मिलती है। आज मनुष्यों की संख्या भले ही बढ़ रही है पर मनुष्यता घट रही है। और ये कलियुग है, कलियुग में पापियों को पाप भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। मुझे लगता है जितने पुण्यशाली मनुष्य हैं वे सब विदेह में चले जाते हैं और पाप भोगने के लिए ऐसे काल में ज़्यादा मनुष्यों की उत्पत्ति होती है जहाँ उसके विरुद्ध वातावरण, समझ गए? तो शायद इसलिए आज लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, समझ गए? चलिए उपस्थित हो गणतंत्र सेरेमनी संरक्षक श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमती सपना जी अपनी सुपुत्री सुरभि के साथ सागर से तैयार हैं, डॉक्टर राजकुमार जी वाकलीवाल मंदसौर से। गुणायतंग प्रवर्तक, शंका समाधान प्रवर्तक और इस गुणायतन को भव्य स्वरूप दे रहे हैं ऐसे मुनिवर पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए, पूज्य महाराज श्री, आज हम एक ज्वलंत समस्या को लेकर अपना प्रश्न लेकर आए हैं, आपसे समाधान चाहते हैं। बात यह है कि हमारे भारतवर्ष में जो वर्तमान परिदृश्य है व्यापार का, चूँकि हमारी समाज एक व्यापारिक समाज मानी जाती है और हमारा युवा आजकल सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप में या फेसबुक में या ट्विटर में अपना अधिकांश समय बिता रहा है, जबकि हमारा ऑनलाइन बिजनेस ने अपना स्वरूप बदल दिया और अपडेट हो गया, बिजनेस ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। अभी जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं वो हमारे टोटल व्यापार का 36% ऑनलाइन ई कॉमर्स में परिवर्तित हो गया। और दूसरा, हमारे जो आंकड़े आए हैं वो $4 बिलियन, जो अभी $4 से $5 बिलियन अभी व्यापार चल रहा है वो 2028 और 30 में $40 बिलियन हो जाएगा, मतलब 10 गुना व्यापार हो जाएगा। तो महाराज श्री, हम चाहते हैं कि आप हमारे युवाओं को और हमारे व्यापारी बंधुओं को जो हमारी समाज से जुड़े हुए हैं उनको ऐसा कौन सा संदेश देना चाहते हैं जो अपने व्यापार को या तो मॉडिफाई करें या ऑनलाइन में जुड़ें या वो किस तरह से व्यापार करें, हम ये समाधान चाहते हैं पूज्य मुनिश्री। देखिए, बहुत ही ज्वलंत विषय आपने उपस्थित किया जो नाम पहले आ जाए वही ठीक, मुझे डिस्टर्ब होता है, शांति सब कोई नहीं आना। बहुत ही ज्वलंत विषय को आपने उपस्थित किया। इससे पहले कि मैं इस विषय में कुछ कहूँ, एक उदाहरण आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। कोडेक एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो फिल्म बनाती थी, सब जानते होंगे। एक समय उसका मोनोपोली था, लेकिन वो कंपनी ऐसी नीचे गिरी कि उसे बिकना पड़ गया। क्यों? केवल इसलिए कि उसने समय के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। नोकिया भारत के बाजार में मोबाइल का सिरमौर था, आज कहीं उसका नाम भी शायद नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि उसने समय के अनुरूप परिवर्तन नहीं किया, एंड्रॉइड के साथ जोड़ा नहीं। तो इन दो उदाहरणों के साथ मैं इतना कहना चाहूँगा, जो लोग अपने आप को समय के अनुरूप नहीं बदलते, समय उनको कहीं का नहीं छोड़ता। युग तेजी से बदल रहा है और आने वाले समय में जो बदलाव की संभावना है उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर्ड होना होगा। ये बदलाव एकाएक नहीं होता, क्रमिक होता है और क्रमिक होने वाला बदलाव एकाएक दिखता है। अब परंपरागत तरीके से व्यापार बहुत कठिन है,
सब कुछ डिजिटलाइज होता जा रहा है और डिजिटल युग के इस दौर में जब चीजें ऑनलाइन हो रही है, आपने जो भी तथ्य रखे ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि पूरे मार्केट का 36%, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, पर यदि ये है तो बहुत चिंतनीय है। 36% बाजार केवल ई कॉमर्स का और 2028-30 तक 4 बिलियन डॉलर, तो 40 बिलियन डॉलर, ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। तो इसके संदर्भ में मैं 4 स्तर की बातें करूंगा। सबसे पहली बात कि आप आम कंज्यूमर से कहूंगा कि पहली कोशिश ये करें कि हम ऑनलाइन परचेजिंग से अपने आप को यथासंभव बचाएं, ताकि हमारे घर में जो सामग्री आए वो अनेक लोगों का घर भर सके। जो चीज़ें हमें उपलब्ध होती है, आज आप साग सब्जी भी ऑनलाइन अपनी सुविधा देखते हैं, जबकि भारत की संरचना ऐसी नहीं है। हमारी संस्कृति खिला के खाने की संस्कृति है, हमारे देश की संरचना यही बताती है कि हम खुद लाएं। दूसरी बात, मैं पहली बात तो कंज्यूमर को देख के कह रहा हूँ और 2 बातें कंज्यूमर्स के लिए और 2 बातें व्यापारियों के लिए, कुछ 4 बातें कहूँगा। कोशिश कीजिए कि जो उपभोक्ता है वह अपनी जरूरत की चीज़ें खुद लाए, उससे अनेक लोगों को लाभ होगा। और दूसरी बात, होम डिलीवरी से बचे। जितने भी डिलीवरी बॉय है ना, आप सबको पता है वो आपके घर में घुसकर घर का कैसा सत्यानाश कर रहे हैं। आए दिन ये घटनाएं किस भांति प्रकाश में आती है, आपके घर की माँ बहनों के नंबर सार्वजनिक हो जाते हैं और उस डिलीवरी बॉय के माध्यम से कईयों का घर उजड़ चुका है। ये आप लोगों को जानकारी में है कि नहीं? इसलिए इससे बचिए, अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए और औरों के उपकार के लिए आप ऑनलाइन परचेजिंग से यथासंभव बचिए। केवल अपना हित मत देखिए। मानता हूं ऑनलाइन में आपको सुविधा है, कुछ नहीं करना, सब कुछ आपके मोबाइल से केवल ये करना और 2 मिनट में आपके घर आ जाए। आज तो ऐसा बोलते हैं 2 से 4 घंटे में डिलीवरी और 2 दिन में तो दुनिया के किसी कोने से ले आए, बहुत फास्ट हो रहा है। लेकिन नहीं, केवल अपना मतलब नहीं देखिए, अपने मतलब के साथ औरों का हित भी देखिए। एक सब्जी आप लेते हो तो उस सब्जी को बाजार से घर तक आने में कितने लोगों का पेट भरता था, अब उसकी जगह एक बड़ी कंपनी और उसके अधीनस्थ कुछ कर्मचारी। तो ये 2 बातें तो आप लोगों से कहता हूँ, आप खुद ऐसा कीजिए, औरों को प्रेरित कीजिए। अपवाद स्वरूप जो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं आप उन्हें ही ऑनलाइन मंगाइए, इससे आपका हित होगा और आप चीटिंग से बचेंगे। जहाँ तक व्यापारियों की बात है, अब सब कुछ ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। व्यापारियों को अपने व्यापार के तौर तरीके में बदलाव लाना होगा, अपने आप को उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा। नहीं तो अगर केवल परंपरागत व्यवसाय से जुड़े रहोगे तो कल तुम्हारी भी दशा कोडेक या नोकिया की भांति हो जाएगी, दुकान में ताला लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। समयानुरूप परिवर्तन बहुत बहुत आवश्यक है और आज से ही कीजिए। तो वो सिस्टम को आप ठीक कीजिए,
आपका सिस्टम ठीक होगा तभी आप सब कुछ कर पाओगे। इसके लिए चाहिए हर व्यापारी को खुद को अपडेट करे और अपनी नई पीढ़ियों के ऊपर भरोसा करे। ज़्यादातर जो हमारी उम्र के लोग हैं 50-55 वाले जो आज व्यापार कर रहे हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, वो कोई बदलाव नहीं चाहते और उनके बच्चों को अवसर नहीं मिलता, तो फिर बच्चे कहते हैं आप धंधा करो हम तो नौकरी करेंगे, तो ये गड़बड़ होता है उस पर बच्चे। दूसरी बात, अपने बच्चों के हृदय में ई कॉमर्स के प्रति लगन जगाएं। अभी मुझे जानकारी में एक बात पता लगी, सुरेंद्र ने ही बताया, भारत ई मार्केट, यही है ना जी, ई कॉमर्स, भारत ई मार्केट, ई मार्ट, ई मार्ट, ये भारत सरकार ने एक ऐप चलाया। इसका उद्देश्य भारत के छोटे दुकानदारों को एक पोर्टल उपलब्ध कराकर बाजार उपलब्ध कराना है। उसके लिए लोग जाने और हर व्यक्ति चाहे वो किसी उम्र का हो, टेक्नोलॉजी के विषय में अधिक से अधिक ज्ञान पाने की कोशिश करे। उसके लिए एकदम अपने आप को अपडेट रखे, जानकारियां ले कहां क्या हो रहा और कल क्या होने वाला है, उसको आज भांप करके चले, तब आप आने वाले दिनों में अपना भविष्य संभाल पाओगे। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो सब गड़बड़ होगा। इसके लिए सबको तैयार करना चाहिए। और एक बात और बता रहा हूँ, इससे आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से ऑटोमेशन हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिल रहा है, मुझे तो लगता है नौकरी भी बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि 1000 आदमी का काम एक आदमी कर लेगा, तो तुम्हारे पास फिर विकल्प क्या बचेगा। बहुत सारे सेक्टर में इसका असर दिखने लगा, जैसे लॉकडाउन के बाद टीचिंग प्रायः ऑनलाइन हो गई। अब पहले हर जगह लोग ट्यूशन पढ़ाते थे, कोचिंग करते थे, अब दुनिया के 10-20 नामचीन लोगों की ऑनलाइन कोचिंग धड़ल्ले से चल रही हो रहा है। तो ये अभी इसका वह इम्पैक्ट आया नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत जल्दी आएगा, फिर तुम क्या करोगे। इसलिए समाज को अपने आप को तैयार करना चाहिए। और सभी स्त्री पुरुषों से मैं कहता हूँ, क्या मिलेगा तुम्हें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम चलाने से। अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम्हारे इस इंटरनेट में भी इतना बड़ा खजाना भरा पड़ा है, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा सीखो, क्रिएटिव बनो, इनोवेटिव बनो। केवल कॉपी पेस्ट करके क्या पाओगे, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी सारी क्रियाशीलता और सृजनात्मकता नष्ट हो रही है। इसके प्रति हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा। खुद को भी तैयार कीजिए, बच्चों को भी तैयार कीजिए और सामने रहने वाली चुनौतियों को रखते हुए आगे बढ़िए तो रास्ता। महाराज जी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसी का है। दोनों महाराज श्री को बारंबार नमस्कार। महाराज जी, आज के डिजिटल और ऑनलाइन युग में हम देख रहे हैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों हैं। पॉजिटिवली देखा जाए तो हमें हर चीज़ का क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, एक क्लिक दबाया और सब मिल जाता है। नेगेटिवली देखा जाए तो डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, हम बाहर जाके लोगों से मिलने की बजाय व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लेते हैं या ऑनलाइन जूम मीटिंग्स कर लेते हैं। तो इसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, हम पॉजिटिवली और आगे कैसे बढ़े। आपने वैसे तो आधा प्रश्न का उत्तर दे ही दिया है, लेकिन कुछ और टिप्स जिसमें युवाएं आगे बढ़े। मैं किसी भी बात के सिरे से विरोध को उचित नहीं मानता। टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत उपयोगी, पर तुम्हारी बात की समीक्षा एक ही वाक्य में करूंगा। जो सुविधा, सुविधाओं पर जब तक हमारा नियंत्रण है
तब तक वह सुविधा है और नियंत्रण खो देने पर दुविधा। कितना उपयोग करना, कहाँ उपयोग करना, कब उपयोग करना, ये तो सीखें। मैं आपसे पूछता हूँ, मोबाइल आपके जीवन का की आवश्यकता है या जीवन का अंग? आवश्यकता। आवश्यकता है, पर आप बताओ आज वो आवश्यकता है या अंग बन गया? क्या बन गया? सब कुछ फोन पे हो गया, इसलिए कुछ वो पार्ट बन गया, जीवन का हिस्सा बन गया, कम्युनिकेशन का एक साधन है, तो साधन को साधन की भांति उपयोग करो, उसको जीवन का अंग मत बनने दो, तभी हम सफलीप होता हूँ। धन्यवाद। उपस्थित हूँ डॉक्टर राजकुमार जी बाकलीवाल मंदसौर से, तैयार है श्रीमान रमेश जी जैन, कैची बिड़ी गुना टेस्टी गुणायतन। प्रणाम सागर जी महाराज के श्री चरणों में शत शत नमन। मेरा प्रश्न यह है कि भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा के बाद अपने साधना काल में 12 वर्ष तक मौन रहे और वह बोलने में सक्षम होते हुए भी वचन गुप्ति का पालन करा, ऐसे दृढ़ संकल्पित भगवान महावीर स्वामी ने वचन गुप्ति के लिए मौन धारण करा। इस हमारी शंका यह है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी वचन गुप्ति का पालन मौन रहकर ही किया जाए, या किस प्रकार से वचन गुप्ति का पालन किया जाए, यह उदाहरण सहित मार्गदर्शन देने का। बात बिल्कुल सही, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, महावीर भगवान ने तो 12 वर्ष, ऋषभ देव ने तो 1000 वर्ष, वे कभी भी छद्मस्थ अवस्था में कोई उपदेश नहीं देते। जब तक वो खुद अनुभव नहीं करते तब तक कुछ नहीं बोलते। वे उन्होंने साधना किया और साधना के क्रम में अपनी आत्मा का अंतर्मंथन किया, उससे जो नवनीत निकला वो हम सबको दिया, तत्व ज्ञान के रूप में, धर्म के रूप में। तो साधना का नवनीत था जो हमारे भगवान ने हम सबके लिए दिया, समझ गया। अब रहा सवाल कि वचन गुप्ति का पालन कैसे किया जाए। वचन गुप्ति के पालन के लिए मौन रहने में तो वचन गुप्ति है ही, पर अशुद्ध वाणी का निरोध करना भी वचन गुप्ति है, समझ गए। तो हम अगर अशुद्ध वचनों को निरुद्ध करते हैं तो बोलते हुए भी वचन गुप्ति के योग्य बन सकते हैं। उपस्थित हो श्रीमान रमेश जी जैन कैची बिड़ी गुना से ट्रस्टी गुणायतन, तैयार है श्रीमान रविंद्र जी आलिया ललितपुर से, आलिया ललितपुर से ट्रस्टी गुणायतन। मेरे अनंत उपकारी गुरु महाराज के चरणों में मेरा और मेरे कैसी बड़ी परिवार गुना का त्रिवार नमोस्तु 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 महाराषि। मेरी शंका यह है कि हम कभी किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं और हमारा भाव बनता है सबको दान करते हुए देखने का कि हमको भी दान करना है, मगर किसी कारणवश हम दान की घोषणा नहीं करते और दान भी नहीं कर पाते, तो क्या हमें पाप लगेगा? पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन अपेक्षित पुण्य नहीं मिलेगा। पर मैं एक फार्मूला देता हूँ, कहीं आपके दान देने के भाव हो रहे हैं और परिस्थिति बस दान नहीं दे पा रहे, तो एक काम करो, दूसरे जो दान दे रहे हैं जी भर करके अनुमोदना करो। सोचो ये कितना भाग्यशाली है, अहो दान, बहुत अच्छा कार्य किया, मन ही मन प्रशंसा करो, मिल जाए तो उसको पीठ ठोको, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो बिना कुछ किए भी मिल जाएगा, समझ गए महाराज। आपने अच्छा फार्मूला बता दिया, हींग लगे ना फटकरी रंग भी चोखा होए, अब तो केवल अनुमोदना ही कर करके काम कराएंगे, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अनुमोदना से पुण्य मिलेगा तो केवल अनुमोदना का, और करने से जो पुण्य मिलेगा वो करने का। आप लोग मार्केट से बहुत सारी सामग्री खरीद कर लाते हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप परचेज करते हो तो उसमें एक में एक फ्री स्कीम में मिल जाती है ना। आजकल तो मार्केट बिल्कुल यही इसी लाइन पे चल रहा है,
तो बहुत सारी चीज़ें स्कीम में मिलती है ना। तो ये बताइए, आपका काम स्कीम के चीज़ों से चलता है या मूल प्रोडक्ट से चलता है जिसे आप परचेज करके लाते हैं? हाँ, मूल प्रोडक्ट से। स्कीम एक एडिशनल है। इसी तरह अनुमोदना का पुण्य एक एडिशनल पुण्य है, समझ गए? ओरिजिनल पुण्य कमाने का भी भाव जगाओ। लेकिन एक बात बोल रहा हूं, तुम रोज अनुमोदना करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा ये पुण्य भी जगेगा। मैं आपको एक घटना बताता हूं। 2006 में हमारा यहां चातुर्मास हो रहा था, सम्मेद शिखर जो एक परिवार जबलपुर का आया, 3 बार चातुर्मास में आया और जब जब आया मौसम बिगड़ गया। एक बार डोली स्ट्राइक हो गई, बंदना नहीं हो पाई, बहुत दुखी। टिकट्स वापस जाने के होते हैं, बहुत दुखी, क्या करूं। 2006 में उसकी वंदना नहीं हुई, 2007 में आया, रोने लगा कि मुझे लगता है मैं अभव्य हूं, मेरी वंदना हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो मैंने उनसे कहा, एक काम करो, तुम्हारा अंतराय आता है, इसका निवारण करने के लिए एक तुम्हें रास्ता देता हूं। बोले क्या? बोले तुम तलहटी पे जाके बैठ जाओ और 3 दिन तक जितने लोग वंदना करके आ रहे हैं उनको प्रणाम करो, धन्य भाग आपके आप वंदना कराएं, धन्य भाग आपके वंदना कराएं। उस व्यक्ति ने मेरी बात का अनुकरण किया, 3 दिन तक ऐसा किया और उसके बाद 4th दिन, इस बीच में क्या था, उसका बीपी बढ़ रहा था, वंदना करे कैसे करे, डर लगा। आज पहले मौसम बिगड़ा, डोली स्ट्राइक हो गई, अब बीपी बढ़ रहा है, स्वास्थ्य खराब, तो मन उसका खराब। 3 दिन तक उसने ऐसा किया और 4th दिन ऐसा पुण्य जागा कि पैदल वंदना करके आ गया। अब तो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, 2016 में उनकी 15-16 में वो नहीं रहे, लेकिन उन्हें किया, लाभ लिया। तो ये है अनुमोदना जन पुण्य का प्रताप। ये मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो दान के संदर्भ में, दान अंतराय का निवारक है, जो चाह करके भी दान नहीं दे पाते वो दान दातारों का अनुमोदन करो, ऐसी योग्यता आएगी कि तुम बड़े से बड़ा दान दे दोगे। बहुत बड़ा मंत्र है, अपना कर देखो कैसा चमत्कार होता। उपस्थित हो श्रीमान रविंद्र जी अलिया साहब ललितपुर से टेस्टी गुणायतन, तैयार हैं सुश्री सोनल जैन बीना से, आइए सीखता कीजिए। रविंद्र जी नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की जय, आचार्य श्रेष्ठ गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, पूज्य मुनि श्री के चरणों में सादर नमोस्तु, श्री शिखर चंद्र लिया ललितपुर परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। हाँ। हे गुरुवर, वर्तमान परिपेक्ष में हमारे द्वारा, मैं पर्सनल पूछ रहा हूँ, सामाजिक रूप में, पारिवारिक रूप में, व्यक्तिगत रूप में कुछ ना कुछ अक्षम्य त्रुटियाँ होती हैं, निश्चित ही स्वाभाविक है, व्यापार है, पढ़ाई है, कामकाज है, सामाजिक परिवेश में कुछ गलतियाँ होती हैं, तो मैं इसी समय वर्तमान में उनका निर्मलीकरण कैसे हो सकता है महाराज श्री? देखिए, गलतियाँ होती हैं, स्वाभाविक है, सबसे होती हैं, गलतियों का निवारण कैसे हो ये आपका मूल प्रश्न है जी। देखिए, कई तरह की गलतियाँ होती, छोटी मोटी गलतियाँ यदि होती हैं तो भगवान के समक्ष जाकर अपनी निंदा गढ़ा कीजिए, आलोचना कर लीजिए, आपकी गलती जन पाप बहुत अंशों में दूर होगा। लेकिन जो मूल रूप से 5 पापों से संबद्ध है, समझ गए, ऐसी गलती हो तो गुरु के चरणों में जाकर के निवेदन करो और प्रायश्चित से शुद्धिकरण करो
एक दिन गुरुदेव ने बताया था कि प्रायश्चित शास्त्र में ऐसा तक लिखा है कि किसी मुनि के द्वारा किसी की हत्या भी हो जाए तो प्रायश्चित लेकर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए हो गया, कोई आया सामने आ गया, एक धक्का दे दिया, हट जाओ, दीवार से टक गए, टकरा गया, मर गया ऑन स्पॉट, तो हत्यारा कौन बना? मुनि बना ना। भले वो गैर इरादतन हुआ पर उसके बाद उसके हृदय में पश्चाताप हो और प्रायश्चित ले, ध्यान में निमग्न हो जाए तो बेड़ा पार है। और शास्त्र में इसका उदाहरण भी मिलता है, धर्म रुचि मुनिराज का, जो बिल्कुल भावों से हिंसा करने के लिए उतावले हो गए थे। कहानी आप सबको पता है, मैंने कई बार अपने प्रवचनों में सुनाया कि राजा सैनिक ने देखा और महाराज बिल्कुल गुस्से में हैं, और पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा नहीं तो पूरा सत्र आपके हिस्से चला जाएगा। लेकिन उन्हीं को जैसे भाव बोध हुआ, अंदर से जागे, अपनी निंदा गढ़ा किए, केवल ज्ञान हो गया। तो ये चमत्कार है, समझ गए। और आम गृहस्थों के लिए जीवन में जो भी बड़े छोटे मोटे पाप होते हैं, उन पापों के निवारण के लिए एक बार सिद्ध चक्र विधान करना चाहिए। मेरी तो भावना है गुरुजी, आपके आशीर्वाद से संभव हो जाए। सिद्ध चक्र विधान एक बार करो, ये तुम्हारे उस प्रभु आराधन से अनेक क्षुद्र पाप विनष्ट होते हैं। इस तरह का भाव व्यक्ति को शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप करते रहना चाहिए। पर यह मत सोचना कि महाराज ने ऐसा कह के पाप करने का लाइसेंस दे दिया, नहीं। ये तो केवल इसलिए कि पाप तो तुम प्रतिदिन रुचि पूर्वक करते हो, उसको साफ करने का कृत्य भी उत्साह पूर्वक करो, क्योंकि भत्तिये जिनवरानम जम खी यदि पुब संचयम कम्मम। भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्म नष्ट होते हैं, इसलिए जब भी मौका मिले सीधे चौका लगा, समझ गया। ये अवसरों का लाभ लो। हर गृहस्थ को पाप रुचि को मंद करना चाहिए और धर्म रुचि में वृद्धि करनी चाहिए। यदि ये करेंगे तो सारे रास्ते अच्छे होंगे। उपस्थित हों सुश्री सोनल जैन बीना से, जो परम पूज्य गुरुदेव की भावना योग पर पीएचडी करने का संकल्प इन्होंने किया है, आज प्रश्न करेंगी। और तैयार हैं दिलीप जी, आस्था जी कासलीवाल बुरहानपुर से अपने साथियों के साथ अपने स्थान में खड़े होकर के प्रश्न करेंगे वहीं से। बहुत भीड़ है। परम उपकारी जगत हितेशी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर से भावना योग पर रिसर्च कर रही हूँ, और आपकी अनुमति से मैं भावना योग का जो रिसेंटली जो अनुभव है वो शेयर करना चाहती हूँ। चलो, बहुत बहुत महर्षि, जब भावना योग में विदेशों के व्यक्ति जुड़े तो उसमें एक नॉन जैन लेडी थी जिनका नाम था अल्पा पटेल। वो महाराज जी सीवियर डिप्रेशन की शिकार थी, और मतलब उन्होंने संकल्प कर लिया था कि अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है, और सुसाइड करने वाली थी। जब वो मेरे संपर्क में आई और मैंने उनको भावना योग के लिए रिकमेंड किया, तो उन्होंने केवल 7 दिन भावना योग किया और अगले 7 दिन बाद उन्होंने मरण का संकल्प त्याग दिया कि मैं मरूंगी नहीं। और महर्षि, उन्हें जो भावना योग का प्रथम चरण है प्रार्थना, उस प्रार्थना से प्रभु के प्रति इतनी आस्था और श्रद्धा उत्पन्न हुई कि मई जून की भरी गर्मी में वो केवल इंग्लैंड से कुंडलपुर आई बड़े बाबा के दर्शन के लिए। और महाराज जी, जो भावना योग का प्रतिक्रमण वाला चरण है जिसमें हम आप बोलते हैं कि मैं सभी को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करें, तो जब वो निरंतर दोहराती थी तो उनके मन में ऐसा लगता था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो पता चला कि उनके यहाँ एक पूरा सुपर मार्केट था जो कि जहाँ पर मीट का एक अलग से सेक्शन था। तो उन्होंने संकल्प किया बड़े बाबा के चरणों में, उनके और उनके परिवार में, कि वो आजीवन मांस का त्याग करेंगी
और उनके पूरे परिवार ने मांस खाना और स्वयं उसका उसका जो व्यवसाय है उसका त्याग किया। हाँ जी, ये भावना योग है जो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल मेरे पास आ रहे हैं। आपका आशीर्वाद है कि मैं इसको जन जन तक पहुंचा सकूं। बहुत 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 आशीर्वाद। मैं तो चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से ये पिछले 3 वर्षों से जब मेरा बीना में प्रवास हुआ था उस समय भावना योग वहाँ कराया, इनने भावना योग किया, तब से इसके मन में भावना योग को जन जन तक पहुँचाने का जुनून सवार है। बहुत उत्साह के साथ ये कर रही हैं और इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया और सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भावना योग पर ये अपनी पीएचडी करने जा रही है। निश्चित तुम्हारे इस शोध कार्य से भावना योग की एक तथ्यात्मक रिपोर्ट लोगों के बीच जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं कि भावना योग हम सबके लिए लाभकारी है, बहुतों को। आज ये एक सज्जन मेरे पास आए थे, अगर इस सभा में तो थोड़ा खड़े हो जाए, उनका घाव बहुत दिन से नहीं भर रहा था। है क्या वो इस सभा में? है यहाँ? नहीं है। और उन्होंने भावना योग करना शुरू किया, 15 दिन बाद घाव भरना शुरू हो गया और शिखर जी की वंदना करने आ गए। हमें क्या करना है? प्रायः जब भी भावना योग की बातें आती है तो लोग केवल बीमारियों की चिकित्सा को लेकर के करते हैं, पर मेरा कहना है भावना योग का ये बड़ा उथला लाभ है। हमें तन को स्वस्थ नहीं, तन के साथ साथ मन और चेतना को भी प्रशस्त बनाना है। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाने का अभिनव प्रयोग है भावना योग। निश्चित अगर तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, चेतना प्रशस्त हो तो फिर हमारे जीवन में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। हमारा अल्टीमेट गोल अपनी चेतना को प्रशस्त करने का है। भावना योग का अधिक से अधिक सभी लोग प्रचार प्रसार करें और मैं तुमसे कहता हूँ इसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाओ, अपने शोध में पूरी की पूरी एक ऐसा विश्लेषण डाटा एनालिसिस का जिसमें पूरे देश भर के अनेक सैंपल लिए जाए और एक तथ्यात्मक रिपोर्ट की व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और अन्य प्रकार की स्थितियों में भावना योग करने से पहले और करने के बाद क्या परिणाम निकला। यदि इस तरह के तथ्यात्मक रिपोर्ट लोगों के बीच जाए तो मुझे पूरा विश्वास है भावना योग आज भी जगत में चमत्कार कर सकेगा और जन जन की पीड़ा को हर सकेगा। बहुत बहुत अपने स्थान में खड़े होकर के श्रीमान दिलीप जी आस्था और जिन बहन ने इतना बड़ा संकल्प लिया इंग्लैंड की, क्या नाम था उसका? श्रीमती अल्पा पटेल। अल्पा पटेल, उनको मेरा आशीर्वाद पहुंचा देना, बोलना बहुत अच्छा कार्य। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। श्रीमान दिलीप जी आस्था जी अपने ग्रुप के साथ अपने स्थान में खड़े होकर प्रश्न प्रस्तुत करें। तैयार रहे श्रीमान राजीव जी जैन राजा कुंवरपुर से। मेरे परिवार और सकल दिगंबर जैन बुरहानपुर की तरफ से त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि मेरे हस्बैंड रोज़ कलश शांति धारा करने जाते हैं, मेरे भी भाव होते हैं कि मैं भी रोज़ देखने जाऊं, पर छोटे बच्चों के कारण मैं नहीं जा पाती हूं। मेरे भाव होते हैं कि जाऊं, लेकिन उसमें मुझे पुण्य मिलेगा या नहीं? ठीक है, थोड़े दिन अपने मन में कचोटते रहो, जब बच्चे बड़े हो जाए तो साथ में जाना, बोला आप अभिषेक करके मुझे गंदो दब दो। उपस्थित हो राजीव जैन राजा कुंवरपुर से। तैयार हैं जैन समाज की गरिमा अहिंसा जी जैन IAS सीखता से आ जाए मंच के निकट। और तैयार रहेंगी सुश्राइब का चंद्रा जी पाटनी रांची टेस्टी गुणायतन। महाराज जी को नमोस्तु। मेरे परिवार और सकल जैन समाज कुंवरपुर की ओर से। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा ही प्रश्न है कि जब हम शिकारी जी और आपके सानिध्य में आते हैं तो हमारे भाव बिल्कुल निर्मल बहुत अच्छा लगता है, पर जब यहाँ से लौटते हैं तो फिर ऐसा नहीं हो पाता, इसका क्या कारण? नमोस्तु। देखो, जब पानी गिरता है तब मिट्टी भींगती है कि नहीं? हाँ जी। और जब हवा लगती है तो मिट्टी सूखती है कि नहीं? जी सूखती है ना। तो यहाँ बरसात होती तो मिट्टी हो भींग जाते हो,
बाहर हवा लगती तो सूख जाते हो, अच्छा है कम से कम भींगते तो हो। ये गीलेपन को निरंतर बनाए रखने का तरीका यही है कि जब सूखने लगो फिर छींटे मार दो। पर इतना कहूँगा पत्थर बनकर बताना कि सामने गीले दिखोगे पर गीले होगे नहीं। तो गीले दिखना नहीं, गीला बनना है और मिट्टी जैसा गुणधर्म अपने भीतर जगाना। शिक्षा से उपस्थित हो सुश्री अहिंसा जी जैन IAS दिगंबर जैन समाज की गरिमा जिन पर हमें गर्व है। अहिंसा नहीं, श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी सुश्राविका रांची ट्रस्टी गुणायत उपस्थित हों और तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेंद्र जी जैन सत्तू सागर से अपने परिवार के साथ। मेरी तरफ से और जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कई लोग एक दूसरे की गलती को तीसरे को तो बता देते हैं लेकिन जिसकी गलती होती है उसको, जिसकी गलती सुधारनी होती है उसको नहीं बताते, तो वो कैसे सुधर सकता है इंसान? बहुत अच्छी बात की, एक दूसरे की गलती को तीसरे को बता देते हैं पर जिसकी गलती होती है उसको नहीं बताते तो वो कैसे सुधरेगा। बिल्कुल ठीक है, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जिसकी गलती है उसे हम बताएं, लेकिन इसमें भी उस व्यक्ति की तासीर को पहले समझना चाहिए। जिस व्यक्ति ने गलती की है वो आदतन गलती करने वाला है या दुर्घटनावश गलती हो गई? अगर आदतन गलती करने वाला है तो व्यक्ति अपराधी की प्रवृत्ति का है और अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से हमें सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। लेकिन दुर्घटनावश अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती होती है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके बातचीत करें और उसे न केवल गलती का एहसास कराएं अपितु गलती को सुधारने का भी रास्ता दिखाएं। उपस्थित हों श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी सत्तू, श्रीमती रानू जी जैन अपने परिवार के साथ सागर से ट्रस्टी गुणायतन, और हम सम्मान करना चाहेंगे जिन्होंने आज लगभग साढ़े मतदान किया है गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए, श्रीमती नीलम जी सेठी और रंगाबाज से वो मंच के निकट आ जाएं। महाराज जी, हमने 8-10 सालों से यह भावना भाई थी कि मुझे आचार्य श्री जी के सत्संग सानिध्य में शोधर बिंद की सची इंद्राणी बनने का, मैंने बहुत भावना भाई। फिर आचार्य श्री के सानिध्य में इंदौर गए तो वहाँ भी आचार्य श्री से बोला तो आचार्य श्री ने बोला माला फेरो। महाराज जी, वो सपना हमारा कुंडलपुर महामहोत्सव में पूरा हो गया। महाराज जी, अब मेरी भावना है कि मुझे आगे वृत्ति बनना है, तो उसके लिए महाराज जी हम क्या पुरुषार्थ करें और हमारा अंतिम मरण समाधि मरण हो, यह भावना दिन रात भाती हूँ। महाराज जी आप बताइए क्या जो करें? प्रयोग सौधर्मिंद के लिए किया वही प्रयोग आगे के लिए भी करना। बहुत बहुत आशीर्वाद, एक बार जोरदार करता ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। गुरुदेव के सानिध्य में कुंडलपुर महोत्सव जैसे महान आयोजन में सौधर्मिंद और सची इंद्राणी बनने का सौभाग्य मिला, ये बहुत बड़ी बात है। अपने इस भाग्य को हमेशा सराहते रहो और आगे बढ़ने की भावना हो। आशीर्वाद। श्रीमान अजित कुमार जी, मीरा देवी, सुमति जी, अवनी जिनासा जैन इम्फाल गुवाहाटी से, जिनकी ओर से सम्मान प्राप्त करेंगी श्रीमती नीलम जी सेठी औरंगाबाद से, जिन्होंने 12.5 ग्राम सोना गुणातन की स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया। सीखता से आ जाए उनका सम्मान करने के लिए, उन सम्मान करने के लिए उपस्थित हों श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी ट्रस्टी गुणायतन रांची। सीखता से आए सम्मान करने के लिए नीलम जी का, और उपस्थित हों श्रीमान IV अधिकारी आशीष प्रीति सुपाश यशी जैन के परिवार से, खुशी नायक पाटन से। सीखता से आ जाए जल्दी से, नाम ही नहीं समझ में आ रहा, क्या बोला, नाम बोलो ना, कौन किसको बोला? खुशी नायक पाटन से, सीखता से जल्दी आ जाए, नाम तो बोलो। और तैयार रहेंगे CA अशोक अंकुश जी एवं CA श्रीमती क्षमा जी जैन इंदौर से, IV अधिकारी आशीष प्रीति सुपाश यशी जैन की परिवार से, खुशी नायक पाटन से अपना प्रश्न करेंगी। तैयार रहेंगे CA श्रीमान अंकुश जी एवं श्रीमती CA क्षमा जी जैन इंदौर। महाराज श्री के चरणों में मेरा शादर शादर नमोस्तु। मैं खुशी नायक कौनी जी पाटन सकल दिगंबर जैन समाज पाटन की ओर से नमोस्तु। मेरे मामा आशीष कुमार जैन IBO ब्यूरो ऑफिसर। ओ हाँ, बोलो सवाल करो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है यह है कि क्या जैन धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है कि नहीं, और हम ऐसे कौन से कार्य करें जिससे हमारे जैन कुल में जन्म लेना सार्थक हो, और यदि दोबारा जैन कुल में जन्म मिले तो हमें जैन कुल में ही जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। बिल्कुल ठीक कही है, जैन कुल, जैन धर्म पुनर्जन्म पर पूर्णतः विश्वास करता है क्योंकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व पर भरोसा करता है,
और हमने ऐसे अनंतों जन्म धारण किए, तो पुनर्जन्म पर हमें विश्वास करना चाहिए। रहा सवाल आने वाले जीवन में जैन कुल ही हमें मिले इसके लिए क्या करूं, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलो, जैन धर्म का दृढ़ता से पालन करो। तुम अगर एक श्रावक धर्म का भी पालन करते हो उसे अच्छे से पाल लो, तो आने वाले जन्मों में जैन बनना तो बहुत छोटी बात है, जिन बनने का भी सौभाग्य प्राप्त करते हो। वाह, आइए सीए अंकुशी जैन एवं श्रीमती सीए क्षमा जी जैन इंदौर से सीखता से आ जाए। तैयार रहे आदित्य बीरन कुमार जी जैन आदिनाथ कोटा। बीरन कुमार जी आ जाओ। और सुश्री भूमि जैन पन्ना से तैयार रहेंगी। सीखता कीजिए आदित्य जी, अंकुश जी आज। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी, मैं कोटा कोचिंग नगरी से। महाराज जी एक जैसे कोचिंग करने में आते हैं ना IIT का यानी नीट में जाने का ये फार्मूला है, तो बच्चों में रहता है कि ऐसा कौन सा पुण्य करें कि जिससे हमारे को मोक्ष मार्ग की तरफ जाएं, क्योंकि स्वर्ग और नरक तो अनिश्चित है बिल्कुल, पर स्वर्ग नरक तो महाराज जी अनिश्चित है, ऐसा कौन सा पुण्य हो जिससे मोक्ष मार्ग का रास्ता मिले? ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे मोक्ष मार्ग का रास्ता मिले? कुछ नहीं करना, मोह मार्ग को छोड़ दो, मोक्ष मार्ग का रास्ता अपने आप मिल जाए। नहीं भाई महाराज, मोह मार्ग से जब तक नहीं मिलोगे तब तक मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़ोगे? मैं उन युवकों को केंद्र बनाकर आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ जो IIT पास आउट होना चाहते हैं। वो हमेशा एक बात का ध्यान रखते हैं कि हमें केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, बताया जाता है। इसी प्रकार जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य केवल आत्मा का हित बन जाएगा, सब बातें अपने आप हो जाएंगी। ममता जी, राकेश भैया, राकेश जी, राकेश। अच्छा ब्रह्मचारी राकेश भैया जी शिक्षा से उपस्थित हो जाए अपनी बात रखने के लिए और प्रश्न करने के लिए। आ जाए भूमि जैन। भूमि नहीं, शिमरा से वर्षा जैन। भैया जी उपस्थित हो, भैया जी को माइक दीजिए। भैया जी को जल्दी बोलो। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक महिला आहार देके निकली बाहर और दूसरी महिला या उनके परिवार वाले ये कहने लगते हैं कि यार मुझे भी आहार देना था, तो वो जो महिला आहार देके निकल चुकी है तो वो अपने वस्त्र उनको दे देती है कि लीजिए आप भी आहार दे लीजिए, ये कहाँ तक उचित है? ये महापाप है। ऐसा करके आहार देने का जो पुण्य पाओगे उससे कई गुना पाप, क्योंकि आप आहार देने में झूठ बोल रहे हो। आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलते हो। अगर किसी के तन से उतरे हुए कपड़े पहन रहे हो तो कपड़े शुद्ध नहीं अशुद्ध हैं। देह परस्ते होए अपावन निस्दिन मल जारी, तो वस्त्र अपवित्र हो गए। अपवित्र वस्त्र पहन करके आप कभी कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते। जानी मानी जैन डिक्शनरी के रूप में विख्यात परम श्रद्धेय भैया राकेश डी सिद्धायतन सागर से हमारे बीच में है, वे अपनी प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। अरिहन जैन कटनी से उपस्थित होंगे। सीखता से अरिहन जैन कटनी से आ जाए सीखता के साथ। मुनि श्री, सिद्धांत और आगम का अध्ययन करते करते कभी कभी परस्पर विरुद्ध बातों की उपलब्धि होती है, माने दो मत मिलते हैं, तीन मत मिलते हैं, और जो सामान्य श्रावक रहते हैं वो तो उसमें दुविधा में पढ़ ही जाते हैं, कभी कभी स्वाध्यायी लोग भी, अध्येता लोग भी उसमें दुविधा में पढ़ते हैं, उस समय क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, वही करना चाहिए जो आचार्य वीरसेन ने किया। कई जगह ऐसा हुआ जहाँ उन्होंने मतों की समीक्षा की, पर कई जगह उन्होंने कह दिया हाँ एलाचार्य का शिष्य अपना जीव नहीं हिलाएगा, या कह दिया इसके लिए तो गौतम स्वामी से पूछना पड़ेगा। ये स्वाभाविक है क्योंकि हमारी जो श्रुत है वो सुनी हुई बात। अभी जो वाक्य मैं कह रहा हूँ हजारों लोग सुन रहे हैं, पर वही बात बाहर जाके जो के तो नहीं दोहराएंगे, जितने लोग होंगे वो स्टेटमेंट उतने हो जाएंगे। तो श्रुत परंपरा से शिष्य प्रशिष्यों तक जो हमारा ज्ञान आया उसमें कई चीज़ें ऐसी गुरु ने जो बताया शिष्य ने उसे सुन लिया। सुनने में भी चूक हो सकती है, सुनाने में भी चूक हो सकती है, पर मूलभूत तत्व में कहीं कोई अंतर नहीं। जो मूलभूत तत्व है, जो मूल हमारे मोक्ष के लिए जरूरी है, सात तत्वों का स्वरूप है,
उसमें कोई अंतर नहीं है। तो हमें मूल प्रयोजनी बात अकाट्य है, इसलिए श्रद्धान करना चाहिए। और बाकी चीज़ें जहाँ दो प्रकार की दृष्टियाँ, तीन प्रकार की दृष्टियाँ आती, उसे केवल अपनी सूचनाओं के रूप में संग्रहित कर लेना चाहिए और दिमाग में एक रेफरेंस बिठा लेना चाहिए, या इस संदर्भ में या इस संदर्भ में रास्ता सब सही है। जो है सो सही है, भगवान से मिलेंगे तो पूछेंगे। आइए गुणायतन के श्रीमान संरक्षक श्रीमान अरहंत जी जैन बिट्टू कटनी से अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। महाराष्ट्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराष्ट्री, हम भविष्य की चिंता करते करते अपने आज में जीना छोड़ देते हैं, तो महाराष्ट्री हम ऐसा क्या करें कि हम आज भी अपना खुल के जी सके और अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सके। बस भविष्य की चिंता छोड़ दो तो आज में अपने आप जीने लगो। बस ये सोच लो कि मेरे पास करने के लिए जो है केवल आज, जो आज करेगा उसी का कल उज्ज्वल होगा। तो भविष्य की योजना बनाने में कोई कठिनाई नहीं, लेकिन भविष्य की चिंता करना में कोई समझदारी नहीं। नमोस्तु महाराष्ट्र। शिमरा से आ जाइए, सीखता कीजिए। वर्षा शिमरा से जल्दी बोले। दुई मुनि राजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा यह प्रश्न है कि जब अतीत में कोई घटना हमारे साथ घट जाती है या कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो हमेशा वो सपने में दिखाई देता है, जितना भूलने का प्रयास करते बार बार वही याद आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब क्या होता अगर है? सपने में याद आता है तो स्वीकार लो, कोई चलो कम से कम चला गया, सपने में तो आ रहा है, यानी बना हुआ है, डरते क्यों? सुनो मेरी बात, मुझे ये समझ में नहीं आता, कोई मर गया एक तरफ तो रोते हो और वही आदमी सपना में देखता है तो घबराते हो। अरे स्वागत करो, कम से कम सपने में तो साथ दे रहा है, दिमाग में वजन क्यों रखते हो? आ रहा है सपना तो सपना है, ना कुछ ले रहा है ना दे रहा है, थोड़ा मजा ही दे रहा है, भले नींद में दे रहा है, उतनी देर आनंद ले लो। इनको अपने दिमाग का बोझ मत बनने दो और जीवन की दिशा आगे बढ़ा लो। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय।